दूसरी सब अपने सारे काम अंत में करने, लास्ट में करने हैं। आपको पता है कि आज ये काम करना है, हमें इस महीने करना है? नहीं, 31 को करेंगे, 30 को करेंगे, लास्ट में करेंगे। आदत बदलो, क्योंकि इसके चलते आपका काफी मेंटलिटी, जो माइंड होता है, वो डाइवर्ट होता है सिर्फ उसी काम के लिए, जो काम आप पहले से करके आपके माइंड को फ्री कर सकते थे। लेकिन हमारे माइंड को हमें फ्री करना ही नहीं है। क्यों क्यों? थोड़ा फ्री माइंड से सोचो। फ्री माइंड से जो आप सोचते हो ना, उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले जो लास्ट वाले काम करने होते हैं ना, वो करते हैं। यानी कि जो उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में किसी को पैसा देना है, उसको 30 तारीख को देना है, पर अपने पास उसके पास पैसा आ गया है 5 तारीख को, तो 5 तारीख को ही वो पैसा देकर निबेड़ा कर लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें वो बर्डन नहीं चाहिए माइंड पे। क्योंकि जो बर्डन माइंड पे रहा ना, तो वो अपना अर्निंग जो है उसे कम कर देंगे। क्योंकि उनका माइंड जो है वो सिर्फ उसी बर्डन को, उसी प्रेशर की ओर रहेगा कि भाई मुझे उसे 30 तारीख को वो पैसे देने हैं, 30 तारीख को वो पैसे देने हैं। लेकिन जो उसने 5 तारीख को दे दिए होंगे, तो 6 तारीख से उसका माइंड फ्री रहेगा और वो 6 तारीख से 30 तारीख के बाद टाइम पीरियड में पैसे को कमाने के बारे में सोचेगा, उसको ग्रो करने के बारे में सोचेगा, और वो जितना पैसा उसको देना था ना, उससे डबल कमा लेगा। होता है ना, ज्यादातर अमीरों के साथ यही होता है। वो कभी भी किसी काम को लास्ट डेट पे नहीं डालते जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट काम की लिस्ट सबसे पहले बना लो और उसको लास्ट डेट पे मत डालो, फर्स्ट पे उसे फिनिश करो। हम बस अभी तो तारीख है ना, अभी तो डेट है, बस उसी के भरोसे बैठे रहते हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है कि जब उनके पास पैसे होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि भाई यहाँ पे तेरे को इन्वेस्ट करना कर, यहाँ पे ये जो कीमत है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तू कर, ये रिटर्न अच्छा देगा। लेकिन नहीं यार, अभी तो टाइम है। बस यही सोचकर वो इतना टाइम वेस्ट कर देता है कि अंत में अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं होता है। क्योंकि जहां पे उसको वो पैसा इन्वेस्ट करना होता है, उसे जितना ग्रोथ होना होता है, वो ग्रोथ हो चुका होता है। अब वो बेवकूफ इंसान देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं कि भाई अब यहाँ पे पैसा डाल के कोई मतलब नहीं है। बस अपने उसके माइंड में जो फीट था कि इस लास्ट डेट को मुझे पैसा यहाँ पे डालना है, और डाल देगा। अब क्या होगा, उसका पैसा ऊपर जाने की जगह नीचे जाएगा, और वो दोष किसको देगा? उस कंपनी को या उस गवर्नमेंट को। तो तीसरी बात ध्यान रखिए।